press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देख लो चालू हो गया वीडियो. ना आदमी नहीं भेजे हैं तुम सा कौन आदमी अब वो लोग खुद डिसाइड करेगा क्या करना है. अब वो लोग दोनों आदमी कहाँ का है सब अलग गैंग. पूरा क्लीन हो गया ना ट्रांसफार्मर अच्छे से पूरा क्लीन हुआ है टोटल. बोलो इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारा. बोलो बोलो क्या करने जा रहे हो बताओ. ये सारी की सारी यार मोटर कपल्ड और अलाइनमेंट हो चुकी है. इसमें ऑयल भी डाला जा चुका है. पहले हम लोगों ने ओल्ड ऑयल रिमूव किया देन उसके बाद न्यू ऑयल फिल किया. जैसा कि आप देख सकते हैं पहले आपने वीडियो में देखा था ये पूरा कंप्लीट डिसमेंटल किया हुआ था डीकपल्ड किया हुआ था. जैसा कि वो सामने आप देख सकते हैं ये वो डीकपल्ड है क्लीन भी नहीं है ऑयल भी ड्रेन नहीं हुआ है. बट ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है कपल्ड अलाइनमेंट एंड ऑयल रिफिलिंग. बिकॉज हम लोगों को पहले दो पास देना है बी एंड सी. तो यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है बी देन उसके बाद सी. तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी ERM मोटर कपल्ड हो चुकी है. ये पूरा हाउसिंग इंसुलेटर हाउसिंग जिसको बोलते हैं ये पूरा बॉक्सअप हो चुका है क्लीन हुआ. जो मिसप्लेस हुआ था उसे वापस से प्लेस किया गया अपनी पोजिशन पर उसके बाद बॉक्सअप कर दिया गया. ये सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब क्लीन हुआ. बहुत डस्ट था सारे ट्रांसफार्मर पे. ये सब क्लीन हो चुका है. ये सारे के सारे बॉक्स अप हो चुके हैं दोनों साइड जो भी है इंसुलेटर हाउसिंग ये सब. बिकॉज एक दो दिन में हमें बी और सी हैंडओवर करना है NTPC को देन उसके बाद ये ट्रायल होगा इसका. पहले हम लोग रैपिंग चला कर देखेंगे ERM और CRM की रैपिंग देन उसके बाद चार्ज किया जाएगा पूरे ESP को दोनों पास B एंड C. फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग A और D जिसमें इरेक्शन का काम चल रहा है वो हम लोग देंगे. अब मैं हूँ C पास में भी सेम कंडीशन है. सारी मोटर अलाइनमेंट हो चुकी है सारे हाउसिंग बॉक्स अप हो चुके हैं क्लीन हो चुका है पूरा टोटल इंसुलेटर हाउसिंग. सिर्फ उधर काम चल रहा है हमारा डी पास में और ए पास में. सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में.
बिकॉज मैं जा रहा हूँ अब मिडिल एलिवेशन पे, वहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है उसे देखने। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, ERM में सारा काम हो चुका है और CRM मोटर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो भी क्लीन हो चुकी है, कपल्ड हो चुकी है और ऑयल फिलिंग भी हो चुका है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है GDRM की मोटर, ठीक है, दोनों साइड में GDRM स्क्रीन लगी हुई होती है, उसके लिए ये मोटर लगाया गया। इसमें भी ऑयल फिल हो चुका है, क्लीन हो चुकी है एंड कपल्ड हो चुकी है दोनों साइड। अब जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो ब्लू कलर का, जो वो सारा CRM कंप्लीट टोटल CRM की मोटर है। इन सब का भी क्लीनिंग का काम हो चुका है और ऑयल भी क्लीन हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।